हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कफ एंड लैशेस का हॉल। मैंने इसके पहले भी काफ़ी हॉल शेयर किए कफ एंड लैशेस से जो प्रोडक्ट बाई की है, तो उनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक करिएगा। तो आज मैंने कुछ मंगाया है कफ एंड लैशेस से प्रोडक्ट्स, ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही है क्योंकि वो सेल करते हैं ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स और काफ़ी अच्छा सेल भी रहता है उनके यहाँ पर। अभी होली का भी सेल था तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। मैं सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके चेक कर लीजिएगा। उनका ऐप लिंक, उनकी वेबसाइट लिंक, उनका इंस्टा स्टोर, सब कुछ मैं नीचे दे दूंगी, आप जाके चेक कर लीजिएगा। और मैं बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं कफ एंड लैशेस को इंस्टाग्राम से जानती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनसे, उनके पास से शॉपिंग करके, क्योंकि काफ़ी टाइम आई थिंक सो 2 या 3 times मैंने प्रोडक्ट्स बाय करे हैं और मुझे डिस्काउंट में भी मिले हैं, तो अच्छे खासे मिले हैं। तो आई लाइक दिस सर्विस, पैकेजिंग उनकी अच्छी रहती, कोई प्रोडक्ट डैमेज नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये पैकेजिंग में भेजते हैं ऐसे वाले, तो बबल रैप रहता है सब कुछ और बेस्ट पैकेजिंग रहती, कोई प्रोडक्ट आपका डैमेज नहीं होता। कुछ भी अगर जब प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट यू और फिर आपसे पूछ लेते हैं कि ये प्रोडक्ट है नहीं, तो आपको रिफंड मिल जाएगा, फिर उसके बदले आपको कुछ और चाहिए तो दे देते। डिपेंड अपॉन यू प्रोडक्ट कौन सा है उस रेंज के हिसाब से। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बाय करी है कफ एंड लैशेस से, तो यहाँ पर मेरे सामने बॉक्स है। और एक मैंने बेस्ट थिंग जो मैंने बाय करी है वो मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूँगी, बिकॉज वो मुझे लाइफ टाइम का मेरा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट मैं बोल सकती हूँ। फर्स्ट नहीं, सबसे ज़्यादा सभी एक्सपेंसिव रहते हैं, पर मैंने वो, मेरे लिए वो फर्स्ट अच्छा प्रोडक्ट है, ओरिजिनल भी है। तो फर्स्ट मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट जो बाई किया है वो ब्लेंडिंग ड्रॉप 220 something का। तो निधि कटियार ने अपना मेकअप लॉन्च किया था प्रोडक्ट्स, तो उसमें से उन्होंने ब्यूटी ब्लेंडर भी लॉन्च किया था, तो मुझे काफ़ी टाइम से लेना था। ये टीयर ड्रॉप में है और ये हाफ वाइट इन कलर है, या इट इज़ हाफ वाइट इन कलर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सॉफ्ट है और ये वेट होने के बाद काफ़ी और अच्छा फ्लफीनेस देता है, सॉरी, तो ये बहुत ही सॉफ्ट है। तो मैं इसे ट्राई करूँगी, उसका रिव्यू मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ऑलमोस्ट उन्होंने भी रिव्यू अपने चैनल पे शेयर किया, आप जाके चेक कर लीजिएगा। चाहिए तो मैं लिंक उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये करते हैं, और नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने बाय किया है वो है, मैंने लैशेज बाय किए हैं वहाँ के मिंक डी 6D हेयर, या 6D हेयर, ये वाले लैशेस, ओप्स एडॉप्टेड, ये वाले लैशेस हैं, बहुत अच्छे हैं। और मैंने यूज़ नहीं किया है, मुझे फॉल्सेस का बहुत क्रेज़ है, कोई भी मेकअप लुक करो तो फॉल्सेस लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो और ये कुछ मैंने हुदा ब्यूटी इज़ दी नेम सिर्फ ये, और ये मिंक लैशेस हैं 6D के, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। और 99 rupees में पर मिला है, कोई भी लैशेस हार्डली 50 rupees में भी मिलते हैं, पर ये मिंक 6D वाले कोई भी लैशेस 99 rupees में नहीं मिलते हैं। तो मैंने ये दो लैशेस बाय किए हैं। अनदर थिंग मैंने बाय किया है ब्यूटी ग्लेज का, काफ़ी प्रोडक्ट्स, बहुत सारे रिव्यूज आ रहे थे, मैंने यूट्यूब पे भी चेक किया तो बहुत जन कर रहे थे, तो मुझे भी बाय करना था ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी ग्लेज के प्रोडक्ट्स। तो मैंने ब्यूटी ग्लेज के दो मिनी पैलेट्स बाय किए, एक निप्टन एंड इन वन इज मिंट। तो ये मुझे कुछ पड़ा है आई थिंक सो 450, या आई डोंट नो अबाउट दी बिल, मैंने बिल किधर रख दिया, ये कुछ मुझे पड़ा है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। आई थोड़ा लॉस्ट दी बिल। तो ये निप्टन का शेड है दिस वन, ये ब्लूइश शेड है, गैलेक्सी टाइप सेटिंग सो, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इससे मेकअप लुक ज़रूर क्रिएट करूँगी। और लेट्स सी दी पिगमेंटेशन कैसी है। पैकेजिंग तो मैं उसको बोलती हूँ बेस्ट है, हुदा ब्यूटी की तरह ही है, स्मॉल, छोटी एंड ट्रैवल फ्रेंडली है, स्टर्डी है, ऐसा नहीं कि लो क्वालिटी का है। एंड लेट्स सी दी पिगमेंटेशन, तो इसमें मिलते हैं आपको 4 मैट शेड, ये 4 मैट शेड है और ये बाकी के शिमर शेड है। एंड सी दी पिगमेंटेशन ऑफ ब्लू, ओ माय गॉड, मैंने सोचा ही नहीं था, दिस इज़ द पिगमेंटेशन ऑफ द मैट शेड्स, बहुत ही अच्छे है, आई लाइक द पिगमेंटेशन। एंड अनदर थिंग, मैं आपको शिमर वाले शेड्स बताती हूँ, इसमें से दिस सी ग्रीन, या दिस गोल्डन, एंड दिस, या
दिस वन। ओ मामा इतना सॉफ्ट है ना ये, टच करने में मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने नेक्स्ट थिंग मैंने ये मंगाई है। तो अनदर मैं आपको शेड बता देती हूँ, मिंट का काफ़ी ग्रीनिश पिंकिश कोरलिश शेड्स है, या ग्रीनिश पिंकिश कोरलिश शेड है। तो मैं ये स्वॉच नहीं करूँगी, मैं इसका सून आई मेकअप लुक आपसे शेयर करूँगी। लेट्स स्वॉच दी वन कलर बिकॉज आई कैन नॉट लिव। तो मैंने ये दो शेड्स लिए हैं, स्वच इट ओवर हियर। या ये दो शेड मिंट के हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी पिगमेंटेड है और मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड सेकेंड थिंग ये है कि सॉफ्ट बटरी फॉर्मूला है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वीडियो शेयर करूँगी मैं आपके साथ जल्दी से। अनदर थिंग मैंने बाय किया है शाय स्टाइल का वंस अपॉन ए टाइम लिपस्टिक, जो उन्होंने बाकी के आगे शेड्स लॉन्च किए थे तो मैंने तभी बाय नहीं किए थे, तो मुझे अभी डिस्काउंट भी चल रहा था तो मैंने बाय कर लिया। ये कुछ है 280 की, या आई थिंक सो इट इज़ फॉर 280, और ये मुझे कुछ डिस्काउंट में मिले 30% ऑफ और समथिंग, आई थिंक सो 30% ऑफ, पर मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हमेशा सेल रहता है इसके ऊपर भी, तो मैंने बाकी के शेड्स बाय कर लिए है पूरे। तो मैंने इसके ऊपर फर्स्ट 6 शेड्स के ऊपर भी वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट शेड 6 शेड्स है वो भी बहुत अच्छे है। एंड ये जो है ये इन्होंने न्यू शेड्स कुछ अलग लॉन्च किया है विद डिफरेंट फार्मूला, इसका भी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो स्टे ट्यून। और मैंने शाय स्टाइल का एक और प्रोडक्ट बाय किया है, द मेकअप स्टोरी नेचुरल फिनिश मेकअप सेटिंग स्प्रे। तो ये कुछ है आई थिंक सो, इसमें वो प्राइस नहीं लिखी हुई है, पर ये 300 एंड बिलो 300 के है। तो मैंने ये ऑलरेडी 2-3 बार यूज़ कर चुकी हूँ। आई लव द फिनिशिंग जो मेकअप को लॉक करता है, पर इसका मैं इंडे प्रीव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा सेटिंग स्प्रे। द अनदर थिंग मैंने बाय किया है स्विस ब्यूटी के ऑल कलर लाइनर काजल पेंसिल, आप बोल सकते हो, सब कलर की मैंने बाय किया है, ब्लैक कलर। एंड दिस इज द स्मोकी वन, दिस इज द रॉयल ब्लू, दिस इज द टर्क्वाइज, दिस इज द ब्रॉन्ज, दिस इज़ दी वाइट वाला, वाइट पर्ली वाइट, बिकॉज हम लोग कभी काजल अप्लाई नहीं कर पाते तो वाइट बिलो दी आइज लगाने के लिए। दिस इज़ दी इलेक्ट्रिक ब्लू, पर इलेक्ट्रिक ब्लू मेरे से 2 ऑर्डर हो गए, नो प्रॉब्लम, यूज हो जाएगा। दिस इज़ दी ग्रीन वन एंड दिस इज़ दी गोल्ड वन। मैं सून इसके ऊपर रिव्यू, ऑलमोस्ट बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर रिव्यू शेयर किया, क्योंकि नए नए आए थे तब उन लोगों ने बाय कर लिया, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। पर मैं मेरा हॉनेस्ट रिव्यू मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि ये प्रोडक्ट कैसे यूज़ करते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं, बिकॉज मैंने एक दो बार यूज़ किया था, मुझे अच्छे लगे लॉन्ग लास्टिंग एंड ऑल, पर मैं सून इसके ऊपर भी वीडियो शेयर करूँगी। तो ये सारे मैंने स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स कफ एंड लैशेज से मंगाए हैं, और मैंने ये आई लुक भी क्रिएट किया है, मेकअप लुक क्रिएट किया है। आई थिंक सो ये वीडियो के पहले वो वीडियो चला जाएगा, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। एंड द लास्ट प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया है, मेरा फेवरेट, मैं काफ़ी मतलब मैंने बहुत इस पैलेट के बारे में सुना था तो मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो मैंने मंगाया है जेम्स चार्ल्स का मॉफी का मिनी पैलेट। तो ये मिनी पैलेट है, मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना था, ये इन्होंने लॉन्च किया है। इसका बिग पैलेट भी है, पर बिग पैलेट काफ़ी एक्सपेंसिव है तो कौन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इन्होंने मिनी वर्जन भी निकाला है। तो दिस इज़ द मिनी वर्जन, आई लव इट। एंड आई थॉट कि यार ह्यूज पैलेट लेके मैं कुछ नहीं कर सकती, पर आई कैन गो फॉर द मिनी पैलेट, ताकि वो ट्रैवलिंग के लिए भी ईजी हो। एंड ये तो पैकेजिंग वाइज मैं बता दूँ, बॉक्स तो इनका सिंपल है, उसके ऊपर सब लिखा हुआ है मिनी आर्टिस्ट पैलेट, मिनी आर्टिस्ट ही, नेट वेट है 36 ग्राम। यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं इन दी बोथ लैंग्वेज इंग्लिश एंड समथिंग डिफरेंट, जो हमें समझ में नहीं आएगा। और हाय सिस्टर्स, जेम्स चार्ल्स हियर एंड वेलकम बैक टू माय मिनी पैलेट। आई लव ग्लैम बट आई ऑल्सो हैव अ ह्यूज पैशन फॉर क्रेजी कलरफुल आउटसाइड ऑफ द बॉक्स मेकअप। द ओरिजिनल पैलेट वॉज फॉर्मुलेटेड टू क्रिएट लिटरली एनी लुक यू शुड पॉसिबल इमेजिन
And now this mini palette is perfect for on the go glam too. I can't wait you to see to come up when you unleash your inner artist. ये original है और ये cafe lashes पे available है. ये I think so 2700 की मुझे पड़ी थी या 2700 की मुझे या I think so, but मैं exact नहीं बता सकती, पर मैं screen पे दे दूँगी prices and all. तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी. ये इनसाइड पैकेज आउटर पैकेजिंग है, ब्लैक स्टडी वाला है, इजी है, मतलब इतनी भी चीप नहीं, ओरिजिनल है, जेम्स चार्ल्स की पैलेट है. तो यहाँ पे मिरर दिया गया है एंड हियर इज दी नेम शेड्स, जो हर एक आई शेडो के उसके ऊपर नेम शेड्स दिया गया है. यू कैन सी इट, हर एक आई शेडो के ऊपर नेम शेड्स दिया गया है. लेट्स सी जस्ट वन सेकेंड, क्योंकि मैं मिरर हाइड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सारा मेस नीचे है. तो दिस इज द आई शेडो शेड्स. तो इसमें मिलते हैं हमें शिमर भी मिलते हैं, हमें डार्क शेड भी मिलते हैं, हमें मैट शेड भी मिलते हैं, हमें ब्लूज ब्लू भी है, ग्रीन भी है, पिंक भी है, न्यूट्रल्स भी है, डार्क ऑरेंजिश भी है. तो आई विल शो यू द पिगमेंटेशन. या तो मैं आपको मैट शेड की पिगमेंटेशन दिखाती हूँ. It's very nice. You can see the pigmentation. ये इतना अच्छा है, literally it is on my finger. मैंने सिर्फ slightly swipe किया और ये इतना अच्छा pigmentation दे रहा है. मैं आपको कुछ shimmery shades की भी बता देती हूँ. It's soft. I can't believe it. या दिस इज द शिमरी शेड्स, फोर शेड्स मैंने स्वॉच किए हैं. आई लव द पिगमेंटेशन. मैं इसके ऊपर भी एक मेकअप लुक ज़रूर क्रिएट करूँगी. मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला आई शेडो पैलेट. ट्रैवल फ्रेंडली भी है, इजीली आप कैरी कर सकते हो एंड मिनी है तो इट्स ओके. जो हम लोग हाई ब्रांड्स के ओरिजिनल मतलब बिग पैलेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मिनी जो मार्क्स जेम्स कार्ल्स ने निकाला है, तो आई लव द प्रोडक्ट. तो अगर जी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ, और मेरी वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नीचे दिए गए बेल आइकन के बाजू में उसे भी हिट करना ना भूलिएगा. तो थैंक यू, बाय.